में 4 सितंबर को होने वाली हल्ला बोल रैली को लेकर हरियाणा कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है। रैली को लेकर रविवार को हुड्डा आवास में हुई बैठक में 5 लोकसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ता शामिल। इस बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि हल्ला बोल रैली महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ योजना के विरोध में होगी। साथ ही उन्होंने हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ाने को लेकर सरकार को घेरा। देखिए, 4 तारीख को जो दिल्ली में हल्ला बोल रैली है रामलीला ग्राउंड में, कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजन की जा रही है। वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज महंगाई है, बेरोजगारी है और आपका जो अग्निपथ जो फौज में भर्ती कर रहा है उसके खिलाफ जो हमारे वो रैली है हल्ला बोल, ताकि इस सरकार को पता लगे कि लोगों की भावना क्या है। तो ये पूरी जोर शोर से वहाँ उनके इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। नाराजगी तो है ही हर वर्ग में, महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है, गरीब आदमी का जीवन दुर्लभ हुआ हुआ है, मध्यवर्गीय लोग हैं उनको भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो हर आदमी परेशान है महंगाई से और बेरोजगारी से। जो विपक्ष का काम है वो हम करेंगे। विपक्ष का काम है लोगों की आवाज़ उठाना, लोगों की आवाज़ बन के उभरना, वो काम करें। सर, मैं तो पहले ही कहा था, जब उनके परिवार की तरफ से मांग आई थी सीबीआई की जांच, शक का दायरा वहाँ पर है, बड़ा गंभीर मामला है, जांच होनी चाहिए और तह तक जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए, परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए, गंभीर मामला है। और क्योंकि